क्योंकि जब तक के मानवाधिकार के रेलिवेंस को हम नहीं समझते हैं, मानवाधिकार की क्यों जरूरत इसको नहीं समझते हैं, तब तक मानवाधिकार क्या है उसके मूल्य को हम नहीं समझ सकते हैं। पहली बात हमको याद करनी है कि मानवाधिकार का डिक्लेरेशन हुआ है 1948 के दिसंबर में। पिछले सदी में दो दो विश्व युद्ध हुए थे, 1914-18 के बीच में और दूसरा 1939-45 के बीच। द्वितीय विश्व युद्ध में एक तरफ जर्मनी का तानाशाह हिटलर था, इटली का मुसोलिनी था और जापान का तोसो था, दूसरी तरफ में इंग्लैंड थे, फ्रांस थे, सोवियत यूनियन थे, अमेरिका थे और उनके साथी थे। इस युद्ध के दौरान करोड़ों लोगों की जाने गई, यूरोप पूरा बर्बाद हो गया। पूरे यूरोप में शायद ही कोई नौजवान रहा हो जो अपंग नहीं हो गया हो युद्ध के कारण। तो हालांकि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, एक चिंता हुई पूरे विश्व में कि तृतीय विश्व युद्ध हुआ इस पैमाने पर तो सवाल हार और जीत का नहीं होगा, मानव जाति का ही खात्मा हो जाएगा, संहार हो जाएगा। आप जानते हैं कि 1945 के अगस्त में जापान में दो दो एटम बम गिराए जा चुके थे, इसलिए ये चिंता बहुत ज़्यादा थी। एक जो बहुत बड़ा मुद्दा था दुनिया के सामने कि ऐसी परिस्थिति पूरे विश्व में पैदा की जाए कि अब से युद्ध तीसरे युद्ध की संभावना को समाप्त किया जा सके, क्योंकि ये सवाल किसी एक देश के हार और जीत का नहीं था और नहीं है, ये सवाल है मानव जाति के अस्तित्व का। ये समझना जरूरी है क्योंकि जब मानवाधिकारों की हनन की हम बात है बहुत सीमित दायरे में करते हैं तो उसके महत्व को भूल जाते हैं, इसलिए पहली बात तो उनको ये याद करनी है। एक और जो बड़ी बात हुई कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी की आंतरिक हालत की जानकारी हुई तो पूरे दुनिया की आत्मा कहाँ हुई, वहाँ मालूम यह हुआ कि हिटलर ने यहूदियों को 60 लाख यहूदियों की सीधे हत्या कर दी, जैसे हमारे उत्तर पूर्व म्यूनिसपैलिटी के लोग पकड़ के मारते हैं, और फिर स्लाविक मूल के लोग थे नॉन जर्मन उनकी लाखों में हत्या की, इतने अमानुषिक अत्याचार किए। एक ये भी बहुत बड़ा कारण बना जिससे पूरे विश्व में एक जनमत बना कि अब ऐसी व्यवस्था की है कि जो हिटलर कर सका जो मुसोलिनी कर सका उस तरह की स्थिति दुनिया में कहीं भी नहीं, क्योंकि यह भी मान्यता थी कि अगर उतने अमानुषिक स्थितियां होगी तो शांति नहीं ले सकते नहीं होगा। इसी संदर्भ में मानवाधिकारों की घोषणा की गई काफी लंबे तैयारी के बाद 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशंस ने सर्वसम्मति से इस डिक्लेरेशन को प्राप्त किया। इस डिक्लेरेशन को आप देखेंगे तो अधिकार क्या है उसकी बात तो करेंगे, मानवाधिकार क्या है, मगर इसमें कुछ सिद्धांतों को स्थापित किया गया, अब कुछ सिद्धांतों को नकारा गया, खासकर उन सिद्धांतों को जिन सिद्धांतों के आधार पर हिटलर और मुसोलिनी ने अपनी सत्ता कायम की थी और जिस तरह से वो कर रहे हैं। उन चीजें बता दूं उनके बारे में, उनकी मान्यता थी पहली बार, पहली मान्यता थी कि वो इंसान की बराबरी में नहीं विश्वास करते थे, वो मानते थे कि नस्ल ही बराबर नहीं होते। हिटलर की स्पष्ट मान्यता थी कि जर्मनी के लोग हैं वो आर्य हैं, सबसे उत्कृष्ट किस्म के लोग हैं, सबसे सुपीरियर लोग हैं, और बाकी लोग नीचे इन्फीरियर किस्म के नस्ल हैं जिसमें सबसे निम्न कोटि के लोग होते हैं यहूदी और हब्सी। फिर उसकी दूसरी मान्यता थी कि जो सुपीरियर रेसेस हैं उनको हक होता है कि जो इन्फीरियर रेसेस हैं उनको अपनी तरह से इस्तेमाल करें, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसलिए बाकी लोगों की तबीयत नहीं थी। और इसलिए ये सिर्फ उसने किताब में लिखी, जब सत्ता में आया तो चूंकि वो मानता था कि यहूदी लोग जिनकी संख्या 50 लाख थी, ये लोग अगर जर्मनी में रहे तो इनको रहने दिया गया तो उससे वो फादरलैंड करते हैं तो फादरलैंड कमजोर हो रहा, इसलिए जर्मनी जर्मनों के लिए, और 25 लाख को तो पहले पकड़ के उसने समाप्त कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाया उनकी हत्या कर। एक दूसरी मान्यता थी जनतंत्र की, वो मानता था कि राज्य ही सब कुछ है, ये गवर्नमेंट रूल में राज्य ही सब कुछ है, नागरिकों को राज्य के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, कहता एवरीथिंग इन द स्टेट नथिंग आउटसाइड द स्टेट, वो कहता है कि स्टेट राज्य वही सब कुछ है,
नागरिकों की अलग से कोई अस्तित्व, उसकी कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए। वो ये भी कहते थे कि हम एक जो फैसिस्ट स्टेट बना रहे हैं उसमें खास तरह के इंसान को बनाना है, इसलिए बचपन से ही ब्रेन वॉशिंग करके खास तरह के इंसान को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनतंत्र में उसका विश्वास, वो मानता था कि जनतंत्र जो निम्न कोटि के नस्ल के लोग हैं उनमें कोई लीडर तो पैदा नहीं हुआ, तो उसमें वोट वोट से किसी नेता को क्रिएट करना होता है, और ऊंचे नस्ल के लोग होते हैं तो उसमें जो लीडर पैदा होता है आपको देख कर पता चल जाएगा, इसलिए उसको भी लीडर कहते थे। फिर मुसोलिनी को भी वही कहते थे, लीडर कहते थे। तो मतलब जनतंत्र विरोधी, नागरिकों का कोई अधिकार नहीं हो, राज्य सब कुछ हो, बराबरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि बराबरी इंसान में होता ही नहीं है, और युद्ध बहुत ही अच्छी चीज है, जब युद्ध होता है तो मनुष्य की जितनी क्षमताएं हैं वो उभर कर सामने आती हैं। मुसोलिनी ने यहाँ तक कहा कि शांति करके कुछ नहीं होता है, पीस इज द इंटरवल बिटवीन टू वॉर्स, वो दो युद्ध तो होना ही है, दो युद्ध के बीच में शांति उसी को शांति करते हैं, उनकी यह मान्यताएं थी। तो विश्व ने यह अनुभव किया इन मान्यताओं को रखते हुए शांति संभव नहीं है, इन मान्यताओं को रखते हुए तीसरा विश्वयुद्ध होना ही असंभावित है, क्योंकि इतनी अन्यायपूर्ण व्यवस्था को कोई दुनिया स्वीकार नहीं कर सकती। इसलिए आप देखते हैं कि मानवाधिकारों की जो घोषणा हुई है प्रस्तावना में प्रकारांतर से उसको निगेट किया गया है, उसको कहते हैं कि मानव संसार में स्वतंत्रता, न्याय और शांति का आधार है मनुष्य की बराबरी को सिद्धांत रूप में स्वीकार करना, प्रिंसिपल ऑफ द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, कि जितने इंसान हम हैं हम डिग्निटी में बराबर हैं, टैलेंट में फर्क हो सकता है बट ह्यूमन बीइंग इन डिग्निटी वी आर इक्वल। दूसरा, हर इंसान के कुछ मानवाधिकार हैं जो इनएलिनेबल हैं, जो उससे नहीं लिए जा सकते। पहली बात तो यह है कि नकारा गया कि हम इंसान हैं और हम बराबर हैं, नस्ल भेद या किसी जाति, नस्ल धर्म किसी भी तरह का भेदभाव वो मानवाधिकार विरोधी है और मानवता विरोधी है। तो पहली इस बात पर हम जनतंत्र में विश्वास करते हैं, हम हिटलर मुसोलिनी की फासिस्ट, जब किसी को फासिस्ट कहते हैं तो गाली नहीं देते हैं, फासिस्ट एक आइडियोलॉजी है, हम ये कहते हैं कि वो आइडियोलॉजी जिसको रिजेक्ट किया गया उस आइडियोलॉजी को हम नहीं स्वीकार कर सकते, क्योंकि उस आइडियोलॉजी के साथ अपने नागरिकों के प्रति न्याय हो सकता है और दुनिया में शांति रह सकती है। ये पहली बात प्रस्तावना में मानवाधिकार कही गई है कि whereas every human being is equal in dignity, every human being has equal and inalienable rights, inalienable rights का मतलब होता है ऐसे अधिकार जो कि राज्य को भी लेने का हक नहीं है, चूंकि फैसिज्म में कहा जाता था कि एवरीथिंग इनसाइड द स्टेट, और सिटीजन रहता थी इसलिए उसको ना कहा गया कि इवन द स्टेट डज नॉट हैव द राइट टू टेक अवे योर ह्यूमन राइट्स, इफ अ लॉ इज मेड टू डिनाई ऑफ योर ह्यूमन राइट्स दैट इज अ वायलेशन ऑफ योर ह्यूमन राइट्स। दूसरी बात है, एंड दे हैव सेड दिस इज द फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम, पीस एंड जस्टिस इन द वर्ल्ड। एक दूसरी बात फिर उसमें चर्चा की गई है कि मानवाधिकारों के प्रति ऐसी अवहेलना की गई जिसको देखकर कि पूरे मानव समाज की आत्मा कहाँ पहुंची, इसी हमने चर्चा की। ये तीसरी बात कही गई है बहुत महत्वपूर्ण है जो हर संदर्भ में करने की कोशिश की, एक तीसरी बात ये प्रस्तावना में कही गई है कि मानवाधिकारों को कानून के शासन के द्वारा लोगों को उपलब्ध कराइए ताकि लोग अपने ऊपर होते हुए अत्याचार से मुक्ति पाने का अन्य कोई उपाय नहीं पाकर विद्रोह के लिए बाध्य नहीं हो जाए। गौर कीजिएगा, मानवाधिकार में इस बात को स्वीकार किया गया है कि अगर आपने रास्ता नहीं किया, मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है और अन्याय से उभरने का कोई रास्ता आप इसकी व्यवस्था आपने नहीं की तो लोग बाध्य होंगे कि विद्रोह करें, और इस तरह से विद्रोह की तरह से मानवाधिकार हो जाता है उन राज्यों में जहाँ पर कि मानवाधिकारों को सुरक्षित नहीं किया जाता है और लोगों को अपने ऊपर होते हुए अत्याचार से मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं है। ये तीन चीजें हमेशा आप ध्यान में रखेंगे, और जिस संदर्भ इसलिए जहाँ भी अगर आप देखते हैं बहुत हिंसा होती है, माओवाद, आतंकवाद, हम हिंसा के विरोधी हैं, मगर समझने की कोशिश करते हैं, एक बात मान ली कहीं फॉल्ट लाइन होगा,
बड़े पैमाने पर इस तरह के हिंसक आंदोलन होते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ कमी हुई है, कहीं ना कहीं लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि उनको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है उभरने का, तो फिर हिंसा के रास्ते पर लोग आते हैं। तो कहीं भी अगर आप देखिए कि राज्य है बहुत ऑपरेशन कर रहा है, बहुत दमन कर रहा है, तो समझिए कहीं ना कहीं कुछ कमी हो रही है। जो खास करके जनतंत्र में, जनतंत्र में हमने सरकार बनाई है और जनतंत्र में सरकार को मेरे लिए काम करना है, तो फिर हम विद्रोह क्यों करेंगे और सरकार को दमन करने की जरूरत क्यों है। जहां भी आप देखिए मानव अधिकारों का हनन होता है, समझिए कि राज्य ने अपना कर्तव्य कर निर्वाह नहीं किया है और बढ़ रहा है। फिर जो सूची आप देख रहे हैं मानवाधिकारों की, मानवाधिकार क्या है, तो उसमें यह पाया गया कि शांति सिर्फ इच्छा रखने से, भावना से नहीं होती। पूरे दुनिया में ऐसे हालात पैदा करने हुए जहां पर कि किसी को युद्ध की आवश्यकता ही नहीं महसूस हो, तो उसमें दो चीजों कुछ किया गया। एक तो ऐसा होना चाहिए कि राज्य जो लोगों का उत्पीड़न करता है उसको बंद किया जाए। तो एक सूची आप देखेंगे मानवाधिकारों की, अच्छी सूची है कि लोगों के साथ राज्य क्या व्यवहार करे। राज्य किसी की आजादी नहीं लेगी, किसी का उत्पीड़न नहीं करेगी, बराबरी का दर्जा देगी, लोगों का सम्मान करेगी। एक तरफ वो सिविल राइट्स नागरिक अधिकार दिए, दूसरी तरफ पोलिटिकल डेमोक्रेसी भी एक ह्यूमन राइट्स है, और तीसरी तरफ है कि सिर्फ एक सवाल उठता था कि आज़ादी या रोटी, मगर दोनों की जरूरत है। भूखे लोगों के लिए आज़ादी का मतलब नहीं है, और खाना आपको बहुत तो आज़ादी नहीं हो तो आप इंसान की जिंदगी नहीं जीते हैं, तो दोनों की जरूरत है। तो मानवाधिकार की आप सूची देखेंगे तो देखें दो भागों में बांटिए, सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स, जिसमें राज्य प्रेश करता है, प्रतिज्ञा करता है कि हम अपने नागरिकों के इन अधिकारों को सुरक्षित करेंगे, अर्थात उसके ऊपर किसी तरह से हम दमनात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे। और दूसरा है कि नागरिकों को तीन तरह के अधिकार, उनके आर्थिक, तो कितनी बेरोजगारी होगी आप मौकों भर रहे हैं तो मानवाधिकार का हनन है, शांति नहीं रह सकती है। मतलब आर्थिक आपके अधिकार, सामाजिक अधिकार, सोशल सिक्योरिटी की जो बातें होती हैं वो सामाजिक अधिकार, और तीसरा कल्चरल राइट्स। क्योंकि एक बात गौर कर रही है कि हिटलर के लिए तो ठीक था सोचना कि जर्मनी एक छोटा देश है, एक नस्ल के लोग हैं, इतने सारे लोग उपनिवेश बने, कॉलोनीज बने, तो बड़े बड़े बाउंड्रीज हो गए कंट्रीज के, उसमें अलग अलग किस्म के लोग रहे। तो उसमें देखा गया कि आज़ादी के बाद जब एक बाउंड्री के अंदर, एक नेशनल बाउंड्री के अंदर अलग अलग तरह के लोग रहेंगे, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी, एथनिक माइनॉरिटी, वेरियस काइंड ऑफ माइनॉरिटी, तो अगर उनको नहीं सुरक्षित किया गया तो किसी देश में शांति नहीं रह सकती, क्योंकि जो मेजोरिटी होगा वो माइनॉरिटी वालों को जाति करेगा। तो इसकी वजह से इसको निश्चित तौर से सुनिश्चित किया गया कि जो माइनॉरिटी है किसी देश में उनकी, उनको पूरा सम्मान दिया जाए और उनके जीवन पद्धति को, उनके जीवन शैली को, सबको पूरी तरह से सुरक्षित किया जाए। तो नक्शे में हम लोग आगे और चर्चा करेंगे, हम ये समझेंगे कि मानवाधिकारों क्यों, इसलिए शांति हो, इसलिए कि मानवीय समाज की स्थापना हो, इसलिए कि पूरे दुनिया में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था हो जिसमें न्याय हो और जिसकी वजह से किसी को हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं महसूस हो, और उसी चीज हर किस्म के लोग हों, चाहे किसी देश में हो, उनके जो हक हैं, उनकी जीवन शैली है, उनकी भाषा है, धर्म है, जीवन शैली है, सबको पूरी तरह से सुरक्षित किया जाए। इनको आप नहीं करेंगे तो शांति की बात नहीं हो सकती, क्योंकि मानवाधिकारों का दमन, और मान जैसे मैंने कहा मानवाधिकार की घोषणा की प्रस्तावना में स्पष्ट किया गया है कि लोगों को कानून के शासन के द्वारा मानवाधिकार उपलब्ध कराए जाएं ताकि अपने ऊपर होते हुए दमन से मुक्ति पाने का अन्य उपाय कोई नहीं पाकर लोग विद्रोह के लिए बाध्य नहीं किया। ये मान के चलिए दुनिया मानती है कि लोगों के साथ बहुत अन्याय करेगा, फिर लोग मूल्य की तरह नहीं बैठेंगे, विद्रोह करेंगे, हथियार उठाएंगे, हिंसा करेंगे और अंत में विश्व शांति खतरे में पड़ जाएगी। धन्यवाद।